हेलो गाइस, कैसे आप लोग? एंड वेलकम टू पी स्क्वायर गेमिंग। आज मैं खेलने जा रहा हूँ गर्ल द सेओ गेम। क्या है इस गेम का नाम? सेओ द गर्ल। तो दोस्तों चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक कैची का और एक लाइटर का। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक मैं जिंदगी में गर्ल के हमें किसी बॉय को भी सेव नहीं किया आज तक। और वो बंदी को देख के ऐसा लग रहा है बहुत खुश है वो। अरे भाई डरी हुई है। हाँ मतलब वही मेरे को वही बोलना था, मेरा थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, छोड़ो जाने दो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अभी दोस्तों मेरे पास एक कैची है, तो मैं कैची पे दबाऊँ या लाइटर पे दबाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। लाइटर पे उसके हाथ में रस्सी है ना, तो कैची से काटेगा ना। अरे हाँ बराबर, तो कैची हम लोग यूज करते है। तो दोस्तों कैची से उसके बाल काट दिए है और वो टूट गई है। बाल नहीं। अरे दोस्तों मैं जा रहा हूँ अगले लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे। और अभी नेक्स्ट लेवल पे हाउ डू आई ओपन दिस डोर। तो दोस्तों हम लोग को डोर खोलने का है और इसके पास हथौड़ा है और एक लकड़ा है। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज से खोलेगी। वो हथौड़ा नहीं है, वो एक्स है मेरे ख्याल से। एक क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं। अरे, 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 अरे यार तुम छोटी बच्ची हो क्या? अभी दोस्तों मेरे पास दोबारा से ऑप्शन आया है, अभी मैं हथौड़े पे डाल देता हूँ क्लिक। एक्स लग रहा है नहीं, वो एक्स है। हाँ, ओ। तो दोस्तों आज मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं गेम खेल रहा हूँ। मैं आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत दिमाग है, क्योंकि मेरे पास सनी देओल ने 2.5 किलो का दिमाग वैसे ही मेरे पास रखे गया। क्या करने का अभी? अरे नीचे देख इतना बड़ा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल है और इस होल को हम लोग को बुझाने का है। और मेरे को तो लग रहा है कि सीमेंट से बुझाऊ या लकड़ी डाल दू, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है लकड़ी डालता हूँ। अरे लकड़ी टूटी हुई है पागल। अबे यड़ी है क्या तू? बीच में काको खड़ी हो गई, जा रही थी इतना अच्छा। क्या फालतू गिरी है यार, पागल लड़की को बचा रहे यार। हाँ मेरे बाप ने ऐसा सीमेंट, गीला सीमेंट डाल के सुखाया था 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं 2 सेकंड में। और इतना बड़ा होल एक बाल्टी के। हाँ एक बाल्टी के सीमेंट से इतना बड़ा होल। तो दोस्तों यहाँ पे इसको स्नीक आउट करने का है, मतलब की क्या होता है पे वो? अरे उसको चुपके से बाहर निकलना। हाँ तो दोस्तों इसको चुप चुप के बाहर निकलना है ना। तो अभी हम लोग दोस्तों दो ऑप्शन दिया है, एक है फ्लिपकार्ट का डब्बा और एक है रिमोट कंट्रोल। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट का डब्बा ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वो क्लिक करते है और ये देखिए। अरे बाप रे बाप, दोस्तों इसका दिमाग तो बाबूराव से भी ज्यादा। उठा ले रे देवा, छोड़ो जाने दो। अरे वो दोस्तों अभी यहाँ पे किडनैपर अंधा नहीं है, मेरे को लगता है किडनैपर को इसी ने पैसे दिए कि तू मेरे को मत देख। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पानी गिर रहा है ऊपर से पता नहीं क्यों। और इसके बाद छतरी या रेनकोट, दो ऑप्शन आए हैं। तो मैं इसको देना चाहता हूँ छतरी, क्योंकि रेनकोट पहनने में बहुत मज़ा नहीं आता यार। और दोस्तों उसके हड्डी तक बाहर निकल चुके हैं और ये गेम ओवर हो गया है। तो दोस्तों अभी मैं ये देखिए दोस्तों किडनैपर को पता चल गया और हेल्प कर लिया। क्या छोटी, तुम छोटी बच्ची हो क्या? ये जो मैंने दूसरे टाइम मारा है। यहाँ पे एक स्टूल है और यहाँ पे एक सोफा भी है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सोफा लगवा दे, सोफा ही लगा दे तो वो बड़ा रहता है। छोड़ो जाने दो, काटने की नजर से देख रहा है। अभी मैं इस कुत्ते को देता हूँ, ये कद्दू दू या बदक दू यार? कद्दू नहीं है वो, ट्रिपल लेग पीस है दोस्तों, ट्रिपल लेग पीस। हाँ, ट्रिपल। तो दोस्तों हम लोग ने लेग पीस दे दिया उसको और तो भी गुस्से से देख रहा है साला। अरे दोस्तों वो गुस्से से नहीं देख रहा था, उसको कुछ तो पिछवाड़े का प्रॉब्लम, अरे मतलब कि लूज मोशन रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग 6th लेवल पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये दांत दिखा रही है हरामी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आग लग चुकी है और थोड़ी बातची हो क्या? सो मच स्मोक। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा स्मोक आया है और यहाँ पे पंखा है और एक टॉवेल है। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं मेरा 2.5 किलो का दिमाग यूज किया तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से इसको टॉवेल यूज करना चाहिए। तो दोस्तों उसने टॉवेल यूज किया और अपना मुंह बंद करके आई है बाहर। यहाँ पे शार्क है, शार्क को कद्दू देगी क्या? पागल है क्या? ये ले इससे मार दे। दोस्तों शार्क को कद्दू ही देना चाहिए था। तो दोस्तों अभी इसको अबे इतना सामने तो हाथ से भी निकाल, वही ना सामने तो है। हाँ वाह वाह वाह, फोड़ी कैसे है वो भी तो बताओ, फोड़ी कैसे है? दोस्तों अभी आगे जा रही है और यहाँ से आ ही गया ना तो भी वापस वो। और ये देखिए दोस्तों पैर से मार रहे नीचे और हाथ से हिला रहे ऊपर, पैर से मार रहे नीचे और हाथ से हिला रहे ऊपर। लगता है इसको लॉलीपॉप चाहिए। ये ले भाई लॉलीपॉप। छोरा बच्चा है क्या? छोरा बच्चा है क्या? तो दोस्तों ये 2nd लास्ट लेवल है मेरे इस गेम का और हम लोग जा रहे हैं और आगे, हम लोग देखते हैं और कुछ हो सकता है कि और समथिंग स्ट्रेंज। और यहाँ पे 3 लाल आके हम लोग को देख रही है, काम करते हैं उन लोग को गाना सुनाते। अरे गाना सुना है तो भाग गए रे। तो यहाँ से एक बुड्ढा आया फ्लावर मार के अपने सिर में। अरे वो ब्रेन है उसका, ज़ॉम्बी है। हाँ क्या ब्रेन है? तो उसको एक बेसन का लड्डू दे देता हूँ मैं।
अबे यार ये तो, अरे लड़की ने चांद कैसे चेंज कर दी भाई। और ये सब क्या चल रहा है, ये गेम में लॉजिक चाहिए या मतलब टाइगर सिरप चाहिए तुम लोग को यार। दोस्तों ये करके अंदर जा रही है, वो बुड्ढी हो गई है। दोस्तों किडनी का बीज दे देता हूँ, और क्या, मेरे को मालूम था ऐसे ही रहेगा। गन से तो उन लोग मरने वाले है नहीं, लेकिन इतने से चीज से कुछ ना कुछ होगा। अब ये काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ चुका है, और यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल है, वो मैं दबा दी। अबे ये कैसे हो सकता है यार, ट्रांसफॉर्मर बन गई है तो। ट्रांसजेंडर लग रही है मुझे तो ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे को मालूम है ये वीडियो फालतू बना है, मैं इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे दिमाग का विकास होगा। यहाँ अभी मेरे दिमाग को विक्स लगाने की बारी आ चुकी है दोस्तों ठीक होने के लिए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।